हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एथिल एल्कोहल से मैथिल अल्कोहल कैसे बनाएं ठीक है तो हमारे पास एथिल अल्कोहल क्या होता है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच एथिल्कोल है अगर हम इस पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में पाँच सौ तिहत्तर पर इसको अगर गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी एस टू तो हमें क्या मिलेगा सी एस थ्री सी एच ओ ये क्या होता है सी एस थ्री सी एच ओ एसिटिल ठीक है अगर फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करेंगे ठीक है फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं विलियन। विलियन रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिल जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ एच ये क्या होता है सी एस थ्री सी डबल ओ एच एसिटिक अम्ल ठीक है अगर आगे इस पर एन एच की रिएक्शन कराएंगे एन एच की अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए क्यों अगर एन एच की रिएक्शन कराई तो यहाँ से एस टू को निकल जाएगा एस टू को निकल जाएगा हमें क्या मिलेगा सी एस थ्री सी डब्लो एन ए ये क्या होता है सोडियम एसीटेट ठीक है अगर हम इस पर एन ए ओ एच ऑब्लिक सी ए ओ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मैथेन मिलेगी सी एच फोर मैथेन पर अब हम बी आर टू बी आर टू के साथ रिएक्शन कराएंगे सन की उपस्थिति में सनलाइट की उपस्थिति में ठीक है तो सनलाइट की उपस्थिति में मैथेन की बी आर टू के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मैथिल ब्रोमाइड सी एस थ्री बी आर सी एस थ्री बी आर पर एन जलीय एन ओ एच के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा सी एस थ्री O H, ये क्या होता है मैथिल एल्कोहल मैथिल एल्कोहल ठीक है इस प्रकार आप आसानी से एथिल एल्कोहल को मैथिल एल्कोहल में बदल सकते हैं ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद